नमस्कार, मैं हूं शरद व्यास। न्यूज ट्रेक के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की सभी बड़ी खबरों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने श्रीनगर सेंट्रल जेल पर छापा मारा है। इस दौरान जांच एजेंसी को 25 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स और पेन ड्राइव और पाकिस्तानी झंडे भी मिले हैं। कुछ जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल 20 टीमें इस ऑपरेशन के लिए बनाई गई। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने कहा है कि अब उनके आंदोलन में सिर्फ वो ही पुरुष या महिलाएं शामिल हो सकेंगे जो भरोसा दिलाएंगे कि वो फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। अन्ना के मुताबिक इसके लिए इन लोगों को एक एफिडेविट साइन करना होगा। अन्ना हजारे ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सख्त नाराजगी जाहिर की है। ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान अचानक अभिनेता अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ गई। फिल्म के सिलसिले में राजस्थान पहुंचे बिग बी अपनी तबीयत की खबर ब्लॉग के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि मैं आराम करूंगा और आपको जानकारी भी देता रहूंगा। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद में काम पूरी तरह से ठप है। मंगलवार को भी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। TDP जहां आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां PNB घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में बयान देने की मांग पर अड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की ये मुलाकात इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। दरअसल मोदी और मैक्रो की एक तस्वीर जिसमें दोनों गर्मजोशी से मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई है। न्यूज ट्रेक के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए newstracklive.com के साथ। नमस्कार।